अगर आप भी फेसबुक से पैसे कमाना चाहते हैं, वो भी किसी को फीस दिए बगैर, कोई भी पेड कोर्स खरीदे बगैर, तो भाई ये सीरीज आप लोगों के लिए। आज से मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह फेसबुक से डिफरेंट वे से पैसे कमा सकते हैं। ये सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी फेसबुक सीरीज की फर्स्ट वीडियो है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन आप पाकिस्तान में कैसे करवा सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था अगर आपको इस सीरीज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोगों के कमेंट्स आए, आप लोग इंटरेस्टेड थे, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो मेरा एक लिमिटेड सा एक्सपीरियंस है, जो चीजें मुझे आती है, जो चीजें मैंने सीखी समझी है, वो मैं चीजें आप लोगों को सिखा सकूं। आज फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायरेक्टली कि फेसबुक से आप इन किन मेथड से पैसे कमा सकते हैं। इस वक्त अगर आप लोग स्क्रीन पर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने अपना पेज ओपन किया हुआ है। मेरा रिसेंट पेआउट आप यहाँ पर देख सकते हैं, $209 बना है, और इस मंथ की अभी तक जो है वो $146 जो है हिस्ट्री मैट से, दूसरा स्टार से तकरीबन $33 यहाँ पे बन चुके हैं। मेथड कौन कौन से है? नंबर वन मेथड यहाँ पर जो आपको सबसे पहले मिलेगा वो है स्टार्स का। स्टार्स का ऑप्शन आपके पेज के ऊपर इनेबल हो जाता है। आई गेस आपको उसके लिए 1000 फॉलोअर्स कम्प्लीट होते हैं विदिन 60 डेज। तो जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं तो आपको स्टार्स की ऑप्शन मिल जाती है। स्टार्स बेसिकली क्या होता है, आपकी वीडियो किसी बंदे के सामने जाती है और उसको आपकी वीडियो अच्छी लगती है, वो आपको सपोर्ट करना चाहता है, फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करना चाहता है कि यार इतना बंदा तो मेहनत रहा है, इतना सेटअप लगाया हुआ है, अपना टाइम निकाल कर आप हमारे लिए वीडियो बना रहे हैं, तो लोग स्टार्स यू नो देते हैं। बाकी समझदार के लिए इशारा काफी होता है, अब भी यू नो आप स्टार्स दे सकते। नेक्स्ट है बोनसेस। बोनसेस में फेसबुक ने अभी ये रिसेंटली एक निकाला हुआ है, उन्होंने जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं अभी काम कर रहे होंगे उनको नोटिफिकेशन आ गया होगा, फेसबुक ने उनके अंदर स्टार्स डिस्ट्रीब्यूट किए फ्री। अब वो आपको $100 तक के स्टार्स सेंड कर सकते हैं और उसके उन्होंने लिमिटेशन रखी हुई है, ये डेट रही है, इसके बाद वो स्टार्स सेंड नहीं कर सकेंगे। यानी कि जो फ्री स्टार्स उन्हें मिले वो तब तक मैं रिसीव कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद अगर किसी ने मुझे सेंड करने हैं तो फिर उन्हें खरीदने होते हैं स्टार्स और वो मुझे सेंड कर सकते। और नेक्स्ट ऑप्शन है जी इंस्ट्रीम एड्स, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा ढिंडोरा पिटा जाता है कि भाई जान पाकिस्तान में रहते हुए पेज मोनेटाइज नहीं होता, हो जाता है यस, बट इट्स नॉट दैट मच इजी, बहुत जुगाड़ करने पड़ते हैं फिर जाके पेज आपका मोनेटाइज होता है। ऑफिशियली पाकिस्तान जो है वो अभी फेसबुक के एलिजिबल कंट्रीज में नहीं है, दैट्स व्हाई आप डायरेक्टली पाकिस्तान से बैठे मोनेटाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर कंफ्यूजन है तो ये ऊपर आई बटन में या वीडियो क्लास में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वाली वीडियो आप देख लीजिएगा अगर आप भी अपना पेज मोनेटाइज करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स चलना शुरू हो जाते हैं और आप उन एड से भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि मेरी अभी आप अर्निंग देख सकते, इस मंथ थोड़ी कम गई है, मैंने ज्यादा पोस्टिंग नहीं की, लेकिन फिर भी यूट्यूब के निस्बत फेसबुक के ऊपर अर्निंग काफी कम होती है। कईयों की फेसबुक पर ज्यादा होती है क्योंकि उनको यूट्यूब पर बिल्कुल ही व्यूज नहीं आते, लेकिन फेसबुक पर इतने ज्यादा व्यूज आते हैं इसलिए उन्हें लग रहा होता है कि फेसबुक ज्यादा पैसे पे करता है। बट मेरा जहां तक एक्सपीरियंस है, अगर मैं इक्वली कंपेयर करूं, क्योंकि मुझे फेसबुक पर भी अच्छे व्यूज आ रहे हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर व्यूज हैं, यूट्यूब काफी अच्छे पैसे पे करता है फेसबुक के मुकाबले। तो ये तो हो गए मेथड्स पैसे कमाने के। अब देख लेते हैं कि हमने अपना पेज फेसबुक के ऊपर कैसे क्रिएट करना है। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। सिंपली आप आ जाओगे अपनी फेसबुक की या नॉर्मल प्रोफाइल आप सबकी क्रिएट होगी। हाँ, एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, अगर आप पेज नहीं क्रिएट करते और आप जस्ट रील्स बनाकर यानी कि शॉर्ट वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हो तो आप अपनी प्रोफाइल से भी कमा सकते। उसका लिंक भी मैं इस सीरीज के अंदर भी ऐड कर दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको उसका लिंक मिल रहा होगा, ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल रहा होगा, अब वहां पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं कि आप लोग किस तरह अपनी प्रोफाइल को प्रोफेशनल मोड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, पेमेंट सेटअप करते हैं और स्टार्स के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं। पेज देख लेते हैं कैसे बनाना। हम ये बर्गर मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आप सिंपली ये पेजेस के ऊपर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर अब आप देखिए आपके पास क्रिएट अ पेज की ऑप्शन आ रही है। यहाँ पर आपने अपने पेज का नेम लिखना है, उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, दैट्स इट, बेसिक यही है, कोई इतना मसला नहीं, आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा जब आपने इसका लोगो लगाना है, इसका चैनल एड लगाना है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ जरूर लगाइए, तो उसके लिए आप सिंपली canva.com यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल पिक्चर अगर आप अपनी लगाना चाहते हैं प्रोफेशनल बना के, तो एक वेबसाइट है pfpmaker.com, आप वहां पर जाकर अपनी फ्री प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट करें अच्छी सी और वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं लोगों की जगह। चैनल आर्ट बनाना, फेसबुक का पेज आर्ट बनाना, वो आप यहाँ से बना सकते हैं, दोनों चीजें आप यहीं से बन रहे। तो ये करें, पेज की बेसिक सेटिंग्स करें, उसके अंदर अगर आपने बिजनेस आप रन करते हैं और आप वेबसाइट है, फोन नंबर है, एड्रेस वगैरह है, तो वो सारी चीजें आप अबाउट सेक्शन में जाकर फिल करें। इससे आप अगर आपका पेज ग्रो होता है तो भाई अल्टीमेटली आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। तो कहीं पर भी आपने अपने बिजनेस को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी। ये सिंपल है पेज क्रिएट करना। पेज क्रिएट हो गया आपका, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ये बिजनेस सूट, जो ये चीजें मैं आपको दिखा रहा था। यहाँ पर फेसबुक ने अभी टेस्टिंग कर रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पर क्लिक करो तो मे भी आपको ये क्रिएटर स्टूडियो को बोला जाता है, ये इस तरह से शो हो। मैं ओल्ड वर्जन भी आपको दिखा देता हूँ। हो सकता है कि आपको ये जो क्रिएटर स्टूडियो है वो कुछ इस तरह से शो रहा हो। बाय द वे आपने इसको एक्सेस कैसे करना है, प्रोफाइल आपने लॉग इन कर लेनी है, न्यू टैब आपने ओपन करना है, वहां पर लिखना है business.facebook.com/creator-studio, ये करके आप एंटर प्रेस करेंगे। हो सकता है कि आपको ये वाला डैशबोर्ड मिल जाए, या हो सकता है जो नया वाला डैशबोर्ड जो अभी मैंने आपको दिखाया था वो आपको मिल जाए। दोनों क्रिएटर स्टूडियो है, इसकी ऐप भी आपको मिल जाती है, यूट्यूब स्टूडियो की ऐप है जैसे, वैसे क्रिएटर स्टूडियो की ऐप है, वहां से कंटेंट इजीली मैनेज कर सकता है। एनालिटिक्स एक चीज आपको वहां पर विजिबल हो जाए। यहाँ पर आपके जितने भी नोटिफिकेशन है, इनसाइट्स है, पेज की क्या परफॉर्मेंस रही, कौन सी वीडियो अच्छा परफॉर्म करिए, कंप्लीट एनालिटिक्स, कहाँ से लोग देख रहे हैं, किस वीडियो ने कितना कमाया वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर नजर आ जाती है। आप अपनी ऑडियंस रिसर्च करना चाहते हैं, ऑडियंस के ऊपर क्लिक करें। इसी तरह अर्निंग्स देखना चाहते हैं, यहाँ पर अर्निंग्स के टैब में वो मुझे दिखा रहा है कि जी आपकी इतनी इतनी अर्निंग है,
इतनी, दिसंबर में इतनी रही, नवंबर में इतनी, अक्टूबर में इतनी, ये सारी अर्निंग्स मेरी यहाँ पर विजिबल। सेम तकरीबन जो ऑप्शंस है वो आपको वहीं पर मिल जाते हैं न्यू स्टूडियो में भी। उसके अंदर अभी कुछ ऑप्शंस नहीं है, जैसे कि राइट्स मैनेजर अभी उसके अंदर ऐड नहीं हुआ, तो जैसे ही वो ऐड हो जाएगा आप वहां से भी यूज कर सकते। तो मैं वो भी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि वीडियोस कैसे अपलोड करनी है। वीडियोस अपलोड करना दोनों में सिमिलर है। क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करो, क्रिएट पोस्ट, क्रिएट रील, ऐड स्टोरी, अपलोड वीडियो, अपलोड मल्टीपल वीडियोस, अगर आपने एक से ज्यादा अपलोड करनी है तो आप यहां से वो भी कर सकते। दूसरे डैशबोर्ड में भी मैं आपको दिखा देता हूं, बिजनेस सूट के ऊपर क्लिक, और यहां से मैं बिजनेस सूट के ऊपर भी आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आपको दोनों क्रिएटर स्टूडियोज के बारे में अच्छे से पता हो। अगर आपको न्यू वर्जन मिलता है, ओल्डर मिलता है, पता हो कि कैसे यूज करना है। अगेन होम फीचर है यहाँ पर, उन्होंने ऐड क्रिएट करने की डायरेक्टली ऑप्शन आपको यहाँ पर दे दी है। आपको पेज से जाकर या एड्स मैनेजर में जाकर अगर आप क्रिएट नहीं करते तो यहाँ से भी कर सकते हैं। बट आई हाईली रिकमेंड हमेशा अगर आपने एड रन करने हैं, नंबर वन पर्सनल एड अकाउंट से करो, नंबर टू बिजनेस मैनेजर बनाओ, उसके थ्रू अपने एड्स, अपने पेजेस, अपने सभी एसेट एक जगह मैनेज करो, और बिजनेस मैनेजर के थ्रू अपना एड्स मैनेजर एक्सेस करके वहां पर से एड चलाया करो, पर्सनल एड अकाउंट से एड मत चलाया करो। होम आ गया, अगेन नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको प्लानर है, प्लानर आपको ओल्ड वर्जन में भी मिल जाता है। आप देख सकते हैं कि किस डेट को कौन सा कॉन्ट्रैक्ट मेरा पब्लिश हुआ है, कौन सा मैंने किस डेट को स्केड्यूल किया है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। आप अपने उस हिसाब से कंटेंट प्लान कर सकते। इसी तरह कंटेंट के ऊपर क्लिक करते हैं, जितनी भी आपकी वीडियोस हैं यहाँ पर आ जाती है, पब्लिश, कैजुअल, ड्राफ्ट, एक्सपायरिंग, एक्सपायर्ड, जो भी है यहाँ पर आपके सभी वीडियोस ये देखें आप नजर आ रही है। आपको पोस्ट के अंदर चेंजेस करने हैं, कुछ चीजें ऐड करनी है, रिमूव करनी है, तो वो आप यहाँ से इजीली कर सकते। और भी आप इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, जैसे मेंशन एंड टैग्स का ऑप्शन है, आप इसे जरूर चेक करें। बाकी ये कलेक्शन आपकी प्लेलिस्ट, फेसबुक फोटोज, ये सभी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अगेन इनसाइट्स के ऊपर क्लिक करते हैं, सारा इनसाइट जैसे कि आपको ओल्ड वर्जन में दिखाई दे रहा था वो यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ का इंटरफेस मुझे अच्छा लगता है पर्सनली, मे बी ना लगे या आपको पुराना वर्जन अच्छा लगे, बट यस इनका जो नया यहाँ पर है इसका ओवरव्यू भी बड़ा फिट है, रिजल्ट्स के मामले में, ऑडियंस के मामले में, एक एक चीज यहाँ पर आपको नजर आ जाए। इसके अलावा फीडबैक का ऑप्शन यहाँ पर है, अगर आपने अपने पेज के ऊपर रेटिंग इनेबल की हुई है, जैसे आप एक रेस्टोरेंट है, बिजनेस रन करते हैं, कोई इंस्टीट्यूट है, तो आपने रेटिंग्स इनेबल की हुई है, तो यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि आपके पेज की एवरेज रेटिंग क्या जा रही है, लोगों का क्या फीडबैक है, वो यहाँ से आप कर सकते। अगेन अपनी ऑडियंस को आपने स्टडी करना है, यहाँ से आप कर सकते। आपके पास यहाँ पर अर्निंग्स की ऑप्शन आ जाती है, जो कि हम सबको इंशाल्लाह चाहिए, मिलेगी भी। सो यहाँ से आप बिजनेस सूट के थ्रू ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते। अगेन कंटेंट अपलोड करना है सिंपली, यहाँ पर इस आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के ऊपर क्लिक करें, क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करें, स्टोरी, रील, जो भी आपने अपलोड करना है वो आप यहाँ से इजीली कर सकते। या फिर आप होम बटन के ऊपर क्लिक करो, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते। मोर पे क्लिक करोगे तो आप बल्क वीडियो अपलोड भी कर सकते हो, एक साथ 10 वीडियोस भी बने अपलोड। इसके अलावा ऑल टूल्स पे क्लिक करो, यहाँ पर बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाते हैं, जो कि इन्होंने छोटी छोटी चीजें जो इधर उधर थी वो सब एक जगह पर आपको मैनेज करके दे दी है, आप इजीली यहाँ से कर सकते। अब मैं आपको लास्टली एक वीडियो जो है वो अपलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्रिएट पोस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से आने के बाद मैंने पेज से लगा हुआ है, आप यहाँ से अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं, और एक ही साथ आप यहाँ से अपने पेज और इंस्टाग्राम दोनों के ऊपर पोस्टिंग एक साथ कर सकते हैं। यहाँ से मैं फिलहाल ऐड वीडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप या क्रिएट वीडियो फ्रॉम इमेज, ये इनका AI का छोटा सा टूल है, इमेजेस को कंबाइन करके वीडियो बनाया था, बट फिलहाल अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप पे मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ से लच्चे मैं ये एक वीडियो ले लूँ। यहाँ पर वीडियो का टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पर एंटर करनी है। एक चीज आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी यूट्यूब या एक्सटर्नल जितने भी लिंक्स है वो मत ऐड, इससे आपकी पोस्ट की रीच बहुत ज्यादा कम हो जाती है। देखिए हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म पर ऑडियंस ज्यादा से ज्यादा टिके, अगर आप इधर उधर ऑडियंस लेके जाएंगे तो उससे आपकी रीच को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, ये पर्सनली मेरे साथ हो चुका है। और इस तरह भी होता है कि अगर आप ज्यादा कर रहे होते तो ओवरऑल आपके पेज की जो है वो रीच कम कर दी जाती है, तो इसलिए ख्याल रखिएगा ऐसा ना करना। इसके बाद यहाँ पर आप थंबनेल अपलोड करनी है, अपलोड इमेज, और उसके बाद मैं ऐसे करता हूँ अपलोड इमेज, हमारी थंबनेल जो है वो इसके ऊपर अपलोड होगी। तो हम और के ऊपर क्लिक करें, टैग्स लगाने हैं, ये ऑप्शन इनेबल करें, यहाँ पर आप टैग्स ऐड कर दें। मेरा अभी तक जितना एक्सपीरियंस रहा है कि फेसबुक के ऊपर SEO इतनी अच्छी काम नहीं करती, क्योंकि लोग वीडियोस को सर्च करके नहीं देखते, वो जस्ट स्क्रॉल करते हैं, उनको जो वीडियो नजर आती है उसको वॉच करना पसंद करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग अच्छी वीडियोस फेसबुक पर वायरल कंटेंट के साथ बना सकते हैं। मैं लाइव अपनी वीडियोस आपको प्ले करके दिखाऊंगा किस तरह जो मेरी वीडियोस यूट्यूब पर कोई व्यूज नहीं रहती ऑलमोस्ट, और फेसबुक के ऊपर वो वीडियोस मिलियंस में भी गई है। तो वो सारी चीजें मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल रही है, इसके अंदर सीक्वेंस के साथ सभी वीडियोस मैं ऐड कर रहा हूं, आप इसके ऊपर क्लिक करके इसे वॉच कर सकते हैं। मैं तो फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।